Hello student, how are you today? I hope you all are fine. Welcome back to science class. Before I continue this lesson and take this lesson forward, I would like to do a small recap. What we learned yesterday? Yesterday we learned the organ which together from the excretive system. Excretory system के organ कौन कौन से है इसके बारे में हमने कल पढ़े थे. I will ask you some question on that and do you answer me. Okay. Start. Then question number one is name the main part of the excretory system. Name the main part of the excretory system. Excretory system के main part के नाम बताइए. I repeat the question. Name the main part of the excretory system. Tell the answer, student. Yes, yes, yes. It is absolutely right. Kidney, uterus, urinary bladder, and utera. Kidney, uterus, urinary bladder and utera. कौन कौन से है? Kidney, uterus and urinary bladder and utera. ये सारे क्या है? Excretory parts के, excretory systems के part है. Then question number two, what color are kidney? Kidney का color कौन सा है? Tell the answer, student. Yes, yes, yes. It is correct answer. The kidneys are a pair of reddish brown bean shaped color. Kidney क्या है? ऐसी pair है जो reddish और brown color की होती है. Okay. Now today we will learn nervous system. आज हम nervous system के बारे में पढ़ने वाले हैं. Before study, you take your pencil or highlighter in your hand and I will tell you which sentence is highlighted. Highlight the sentence. Okay. Shall we start? Then start. Okay. Put pencil on the sentence. The nervous system. The nervous system. Nervous system के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. Okay. आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द फंक्शन ऑफ अवर बॉडी. जो नर्वस सिस्टम होता है मतलब हमारी जो नर्व्स होती है बॉडी की, वो हमारे शरीर के हर फंक्शन को कंट्रोल करती है. हर फंक्शन को कंट्रोल करती है मतलब जैसे कि हमारे हार्ट है, किडनीज है, लिवर है, लंग्स है, ये कैसे वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें वॉशरूम लगी है पर हमें जाना है या नहीं जाना है, कि जब तक हमारे ब्रेन इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, जब तक हम नहीं करते हैं. इसका मतलब है कि जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो जब तक हमें ऑर्डर नहीं देती तब तक हम कोई भी काम नहीं करते हैं. इसलिए नर्वस सिस्टम क्या बोला गया है कि हमारे सारे फंक्शंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विथ नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्वस सिस्टम को मिलाकर क्या बनी है, नर्वस सिस्टम बनी है. हाईलाइट कीजिए. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विथ नर्व्स. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और छोटी छोटी जो नर्व्स है उनसे मिलकर क्या बना है, नर्वस सिस्टम बना है. मतलब नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट्स कौन से है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड जो आपको ये जो छोटी छोटी पूरी वेन्स दिख रही है ना बॉडी के अंदर, वो है नर्व्स. मतलब नसे हमारे बॉडी की. द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ब्रेन क्या है, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन क्या है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है. ब्रेन हमारे शरीर का सबसे मेन हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ब्रेन होता है. इट कंट्रोल ऑल अवर मस्कुलर मूवमेंट्स एंड इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल सिस्टम इन द बॉडी। ये क्या करता है, ये हमारे सारे मसल्स को, मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स है, जितनी भी वेन्स है, उसको कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है, अपने अंदर कंट्रोल करता है, अपने अपने उसका अधिकार होता है उनके ऊपर कि वो जो बोलेगा वही वो करेंगे। मतलब ब्रेन क्या करता है, इन वेन्स को, इन नर्व्स को कंट्रोल करता है, उसके मूवमेंट को, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉडी के फंक्शन के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के फंक्शन के लिए। इट हेल्प अस टू लर्न, ये हमें क्या करता है, लर्न करने में, मतलब हमने जो पढ़ा है उसको याद करने में हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करता है। ओके, थिंक, सोचने के लिए। आपने बहुत सारे ऐसे कार्टून देखे होंगे जिसमें कुछ जो कार्टून पीस होते हैं वो सोचते हुए दिखाई देते, तो आपको एक छोटा सा उनके सामने बाजू में क्लाउड दिखता है और क्लाउड में ब्रेन दिखता है, या फिर क्लाउड दिखता है। क्लाउड क्यों दिखता है, क्योंकि ब्रेन ये क्लाउड की तरह ही छोटा सा होता है और जिसमें हम सोचते हैं, इसलिए थिंक का पिक्चर भी इसी तरीके से होता है, डॉट डॉट और एक छोटा सा इस तरीके से क्लाउड बना होता है। तो ये क्या है, ब्रेन है, ये थिंक करने में, मतलब सोचने में हेल्प करता है। रिमेम्बर, कोई भी चीज को हम याद रख सके, कोई भी चीज को हम अच्छे से याद रख सके, इसीलिए ब्रेन हमको उसकी हेल्प करता है। एंड टेक एक्शन, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कदम उठाने के लिए ब्रेन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, हेल्प करता है। तो इसे हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे कि द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर करेंगे इट हेल्प अस टू लर्न, थिंक, रिमेंबर एंड टेक एक्शन। हमारे हर चीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि हम सोचते हैं, हमें याद करने में, सोचने में, हमें याद रखने में, याद दिलाने में, और हमें कोई भी काम करने में ब्रेन हेल्प करता है। दैट इज वाई द ब्रेन इज इनक्लोज सेफली इनसाइड अ हार्ड बोनी बॉक्स। और इसीलिए ब्रेन को एक बोनी बॉक्स में, एक हड्डियों के ढांचे में, एक स्कल के अंदर सेफली रखा गया है, क्योंकि अगर ब्रेन को कुछ भी होता है तो हमारे पूरे बॉडी फंक्शनिंग के ऊपर असर हो जाएगा, हम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। आप देखते हो ना कि बहुत सारे लोग पागल होते हैं, वो एक्चुअल में पागल होते हैं क्या, नहीं, उनका ब्रेन काम नहीं करता है, उनका ब्रेन वर्क नहीं करता है, क्योंकि ब्रेन अगर वर्क करेगा तो उनको क्या करना है वो पता होगा, है ना, कि सुबह हो गई है तो हमें उठना है, काम करना है, इस तरीके से बोलना है, यहाँ पर बैठना है, ये गंदी जगह है यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये अच्छी जगह है यहाँ पर बैठना चाहिए, वेल मैनर्स क्या है, ये हमें कौन याद दिलाता है, हम सब सीखते हैं, हम सारी चीजों को पहले क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ध्यान में रखते हैं, सीखते हैं, और ये सीखने में कौन हेल्प करता है, हमारी ब्रेन हेल्प करता है। और ये ब्रेन अगर खराब हो जाए या ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हम पागल ही कहलाएंगे ना, क्योंकि हमें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे ये हमें खुद को पता नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, है ना। हाँ, टर्न द पेज नंबर 5। ओके, द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट। ह्यूमन का जो ब्रेन है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडुला ओब्लॉन्गेटा। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ऐसे 3 मेन पार्ट्स इसके होते हैं, ऐसे 3 मेन पार्ट्स इसके होते हैं ब्रेन के। तो पहले हम हाईलाइट करेंगे, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ओके, देन वन इज सेरिब्रम, सेकंड वन इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ये तीनों चीजें अलग अलग काम करने में हमें हेल्प करती है ब्रेन की, ठीक है। तो जो ये ब्रेन का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो है हमारा सेरिब्रम। जस्ट लाइक यहाँ पर शो किया गया है कि ब्रेन का जो ऊपर का हिस्सा है वो है सेरिब्रम। क्या है, सेरिब्रम। और जो ब्रेन का ये जो नीचे का हिस्सा होता है वो है सेरिबेलम। वो क्या है, सेरिबेलम। जो नीचे का हिस्सा है ब्रेन का, ये जो सेकंड पार्ट है आपको दिखाई देता है ब्रेन का, ये जो क्या है वो है सेरिबेलम। मतलब ये वाला हिस्सा जो नीचे का होता है वो है सेरिबेलम।
और ये लास्ट वाला जो है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जो लास्ट वाला पार्ट है नीचे वाला वो है मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग कॉर्ड अटैच टू द ब्रेन। ये जो आपको दिख रही है ना ये स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब यही से हमारे सारे बोन्स जुड़े हुए होते हैं, यही से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई होती है। इट इज एनक्लोज टू बाय अ ट्यूब फ्रॉम बाय ऑल द बैकबोन। ये ऐसी एक छोटी सी ट्यूब होती है जो बैकबोन के अंदर से गई होती है, बैकबोन के पास से गई हुई होती है। नर्व्स व्हिच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरी मैसेजेस टू एंड फॉर्म द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स होती है, मतलब ये जो छोटी छोटी आप नसें देख रहे हो ना ब्रेन के अंदर, ये नर्व्स हमारे पूरी बॉडी में होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर दिखाया था बॉडी का, आपके बुक के पेज नंबर 4 पे एक ह्यूमन बॉडी का पिक्चर दिखाया, उसमें एक वेंस 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 मतलब लाइनिंग लाइनिंग दिखाया है, वो क्या है सारी नर्व्स है। तो ये जो नर्व्स होती है वो थ्रेड लाइक मतलब बिल्कुल धागे की तरह पतली होती है, और ये क्या करती है मैसेजेस कैरी करती है बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट्स में। ये क्या करती है मैसेजेस कैरी करती है मतलब संदेशा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। ब्रेन से संदेशा निकलता है, ये जो हमारी कॉर्ड होती है इसमें से स्पाइनल कॉर्ड गई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एक थ्रेड की तरह एक पतले धागे की तरह होती है, और वो बाकी सारी वेंस से जुड़ी हुई होती है, नर्व से जुड़ी हुई होती है। ब्रेन जो इंस्ट्रक्शन देता है मैसेज देता है वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है वो कैरी करता है और बॉडी के हर पार्ट्स में भेजता है। ये काम कौन करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आफ्टर क्लास आई गिव यू अ होम वर्कशीट एंड इट इज यू हैव टू सॉल्व दिस होमवर्क एंड इट इज कंपल्सरी। ओके, सी यू सून, बाय बाय।